निमंत्रण दे तब होगा। और इधर गुरु जी ने सोचा कि राजा तो सोच रहे कि चौथापन भले आ गया लेकिन वरदान दिया है तो आएंगे, तो इसीलिए श्री प्रभु ने कहा कि इस बार निमंत्रण दे, याद करे तब तो मैं आऊं। गुरु जी छोटे से बालक को लेकर के आए श्री राजा दशरथ जी के पास में, और जैसे श्री महाराज दशरथ जी के पास में लाए, धीरे से उस बालक को चिकोटी काट दी। और जैसे ही उस बालक को चिकोटी काटे वो बालक जोर से रोने लगा, और जब वो बालक जोर से रोने लगा तो गुरु जी बार बार उसको चुप कर रहे हैं, वो चुप ना हो रहा है। तो श्री वशिष्ठ महाराज जी से पूछा कि गुरु जी आप तो ब्रह्म त्रिकालदर्शी हो, आप तो खुद ही मन से अंदाज लगा सकते हो कि को रो रहा है। गुरु जी का बिना अंदाज लगाए बिना देखे बताओ, बोले हाँ, बोले इसलिए रो रहा है कि पिताजी आप यजमान हो तो आपके, आप पुरोहित हो तो आपके यजमान तो श्री महाराज दशरथ जी सामने है, लेकिन आने वाले समय का पुरोहित मैं हूँ तो मेरे यजमान का तो अभी तक ठिकाना नहीं है। मानो गुरु जी याद दिला रहे चेला को कि भैया इस अवतार में कम से कम उनको याद तो कर। याद आ जाती है श्री महाराज दशरथ जी को, जो याद दिलाना थी कि इस अवतार में भी इस जन्म में भी उन्हें कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो यह कहलवा करके, याद दिलवा करके गुरु जी आश्रम में चले जाते हैं, और श्री महाराज दशरथ जी मन ही मन में उदास हो जाते हैं। तुरंत दौड़ करके आचरण में पादुका नहीं पहनी है गुरु जी ने, महाराज दशरथ जी ने, शीश पर मुकुट नहीं है, ना कोई सेना है, ना कोई रथ है, ना घोड़ा है, कुछ नहीं है, गुरु जी के आश्रम की ओर दौड़ते हैं। जब भगवान की भक्ति चाहिए तो संतों के पास कैसे जाओ, बोले सारा धन पद वैभव को त्याग करके जाओ तब भक्ति मिलेगी, और अगर गाड़ी बंगले के लिए जाओ तब तो ठीक ही है। महाराज को तो प्रभु चाहिए थे इसलिए अकेले जाते हैं। गुरु जी ने कहा राजन मैं तो चाहता हूँ आपके घर प्रभु अंशों सहित आएंगे, लेकिन आपको हवन करना पड़ेगा। पुत्रेष्ठ पुत्र कामेष्ट यज्ञ हुआ श्रृंगी ऋषि के द्वारा, यज्ञ नारायण खीर लेकर के बाहर निकले, उस खीर को तीन भाग में बांटा श्री महाराज दशरथ जी ने। सुमित्रा मैया के हाथ से खीर चीर ले गई, इस वजह से सुमित्रा माँ को माँ केकई ने और कौशल्या मैया ने अपना भाग निकाल करके दिया, इसलिए माँ के घर दो दो लाला हुए हैं। अब जिस दिन से श्री भगवान नीलमणि आए गर्भ में श्री प्रभु का निवास हुआ है। कुछ लोग कहते कि गर्भ का पवित्र रहता भगवान कैसे आ गए, तो देखो गर्भ भी एक बार भगवान के पास में जाकर के रोया था कि संसार में साधु महात्मा लोग रोज मेरी बुराई करते हैं कि गर्भ खराब है, गर्भ में नहीं आना चाहिए, गर्भ खराब है, तो जब मैं इतना ही खराब हूँ तो मुझे आपने बनाया क्यों। तो भगवान ने कहा कि जब मैं आशीर्वाद देता हूँ कि दुनिया के लोग भले तुम्हारी बुराई करे, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे इसमें आऊंगा तो संसार के लोग तो ठीक है, ये सारे साधु महात्मा और देवता भी तुम्हारी स्तुति करेंगे। इसीलिए भगवान जिस स्थान पे आ जाए सीधा सा अर्थ है कि वो स्थान अपवित्र कैसे रह सकता है, वो स्थान तो दिव्य हो जाता है, वो समय दिव्य हो जाता है। गर्भ अवस्था में प्रभु पधारे तो संपूर्ण पृथ्वी दुल्हन की तरह सज गई। अभी तक कैसी थी, बोले उजड़ी हुई थी रावण के डर के कारण, लेकिन अब कौन रावण की चिंता करे, अब पूरी सृष्टि हरी भरी हो गई है, अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई, सारे संत महात्मा अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, सारे लोग अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, तीर्थों का जल सारा सरयू में बहने लगा है, और जिस तीर्थ के जल को जगह नहीं मिली सरयू में, क्योंकि सरयू का पानी बहुत ज्यादा हो गया, तो वो सारे तीर्थ माँ सरयू के घाट पर स्थिर हो गए और घाट बन गए, बोले घाट पर बैठ करके हम दर्शन कर लेंगे। सारे संतों की टोलियां अवध धाम में जा रही है, सारे देवता लोग अयोध्या में आ गए हैं, और इधर श्री नारद जी वीणा बजाते हुए निकले, माता अयोध्या से पूछा इतनी प्रसन्न क्यों हो, तो माँ अयोध्या ने कहा कि मेरे प्रभु का चरण विन्यास मेरे ऊपर रहेगा ना, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। माँ सरयू माँ कलकल निनाद कर रही है, पूछा आप इतनी आनंद में क्यों हो, तो माता सरयू ने कहा कि मेरे प्रभु आएंगे ना तो हमारे किनारे तो बाल लीला करेंगे, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। वृक्ष से पूछा आप इतना क्यों झूम रहे हो, बोले हम इसलिए झूम रहे हैं क्योंकि हमारे जब सरकार आएंगे तो उनके घुंघराले घुंघराले बालों पर हम अपने पुष्पों से उनका श्रृंगार करेंगे, इसलिए हम आनंद में हैं। संपूर्ण मुहूर्त सारे जितने भी अष्ट सिद्धियां है वो रोड़ों की सफाई करने लग गई है। अब देखो एक साधारण कोई नेता आए या साधु संत आए तो कितनी सफाई हम सामान्य लोग करते हैं, इतनी सफाई होती है सब एकदम चारों तरफ सफाई हो जाती है। तो अखिल ब्रह्मांड का अधिपति का आगमन जब पृथ्वी पर होता है ना तो साक्षात अष्ट सिद्धियां ही सेवा में लग जाती है, चारों तरफ
सब सफाइयां हो रही है, चैतन्य पूरी सृष्टि हो गई है, और उसी समय सारी तिथियां प्रभु के सामने आकर के खड़ी हो गई। तिथियों ने सोचा कि जिस तिथि में भगवान का आगमन हो जाएगा वो तिथि संपूर्ण जगत की वंदनीय हो जाएगी, इसलिए पहली तिथि आई, प्रभु आप मेरे इसमें आइए ना। तो श्री राम जी ने कहा कि मैं तो खाली स्थान को भरने आता हूँ, भरे हुए को भरने नहीं आता हूँ, आप तो पहले से भर रही हुई है। द्वितीय आई, प्रभु मेरे इसमें आ जाइए ना। तो प्रभु ने कहा बीज के रूप में पहले ही पूजनीय हो, हम आपके इसमें नहीं आ सकते। तृतीय आई, प्रभु मेरे इसमें आइए ना। प्रभु ने कहा हड़ताली बीज के रूप में वैसे ही पूजनीय हो, इसमें हम नहीं आ सकते। चतुर्थी आई, प्रभु मेरे इसमें आइए। प्रभु ने कहा गणेश चतुर्थी के रूप में पूजनीय हो, और मैं भरे स्थान में नहीं आता हूँ, मैं तो खाली हृदय में आता हूँ, इसलिए आपके इसमें नहीं आ सकता। पंचमी आई, प्रभु मेरे इसमें आ जाइए ना। प्रभु ने कहा तो बसंत पंचमी के रूप में पूजनीय है, हम आपके इसमें भी नहीं आ सकते। छठ आई, प्रभु मेरे इसमें आइए ना। प्रभु ने कहा आप हलषष्ठी के रूप में पूजनीय है, हम आपके इसमें भी नहीं आ सकते। सप्तमी आई, प्रभु ने कहा दुर्गा सप्तमी के रूप में पूजनीय हो आप, इसलिए आपके इसमें भी नहीं आ सकते। और अब सबसे पीछे अष्टमी तिथि खड़ी है। भगवान का कब आते हैं कि जब ये हृदय सांसारिक मोह से एकदम मुक्त हो जाता है और प्रभु के वियोग में रोने लगता है कि अब सरकार ये जो सिंहासन है आपके लिए है, तब भगवान आते हैं। तो सारी तिथियों में भगवान को ये सब खूबी नहीं दिखी, अष्टमी तिथि में लग रहा है कि हृदय तो खाली है लेकिन अभी इनको मेरे वियोग में आंसू नहीं आए हैं, और जब तक आंसू नहीं आते हैं तब तक मैं आने वाला नहीं हूँ। हम संसार के लिए रोते तो भगवान नहीं आते हैं, भगवान के लिए ही रोना पड़ेगा तब भगवान आते हैं। तो अष्टमी तिथि खड़ी तो है लेकिन रोना नहीं आ रहा है। प्रभु ने कहा कि अभी एक अवतार की, एक कल्प की अभी आवश्यकता है, वेट करना पड़ेगा इनको, ताकि तब तक रोना भी आ जाएगा और मेरा अवतार का समय भी हो जाएगा। देवी मैं इस बार तो नहीं, अगली बार वचन देता हूँ कि तुम्हारे इसमें आऊंगा, इसलिए मेरा आशीर्वाद है कि अगले अवतार में आऊंगा। अब प्रभु ने अष्टमी तिथि को भी आगे बढ़ा दिया। सबसे पीछे नौमी तिथि खड़ी है, नौ का अंक पूर्णांक है, दोनों हाथ जोड़ करके नौमी तिथि खड़ी है। आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब वहाँ वाणी और शब्द बंद हो जाते हैं। नौमी तिथि बोल नहीं रही है कि आओ कि नहीं आओ, केवल अश्रु बह रही है कि प्रभु आओ तो आपकी मर्जी, नहीं आओ तो आपकी मर्जी। हृदय खाली है, आंखों से आंसू बरस रहे। प्रभु ने ध्यान से देखा कि मेरे लिए आंसू आ रहे हैं, एकदम सिंहासन पूरी तरह से खाली है। तो प्रभु ने कहा कि रोना भी आ गया है और अब यही परफेक्ट है। तो श्री राम जी ने नौमी तिथि, नौ का अंक पूर्णांक है, नौमी तिथि को प्रभु ने चुना है। सारे जितने भी ग्रह नक्षत्र मुहूर्त सब अनुकूल हो गए हैं और उसी समय सूर्य मध्य में है, और श्री भगवान ने तुरंत मन में सोचा कि इसी तिथि में जाना है। तुलसीदास महाराज ने लिख दिया है क्या, मा
श्री प्रभु ने उसी समय सोचा कि अब पृथ्वी पर आने का समय हो गया है। तो उसी समय श्री माँ कौशल्या के महल में अपार एक प्रकाश नील ज्योति यहाँ पर प्रकट होती है। कौशल्या के
दासी ने आकर के तुरंत सूचना दी। महाराज प्रसन्न हो गए। केकई मैया की दासी ने कहा, मंत्रा ने कि माँ ने एक लाला को जन्म दिया है। सुमित्रा मैया की दासी ने आकर के कहा कि माँ ने दो दो लालाओं को जन्म दिया है। इस तरह अवध धाम में श्री महाराज दशरथ जी के घर में चार चार लालाएं एक साथ में प्रकट हो गए हैं। अब अयोध्या में आनंद बरस रहा है, तो आइए हम सभी लोग भी आनंद लें और इसके साथ आरती वाले आरती की तैयारी करें। अवध